मेडिकल ड्यूटी हड़ताल 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 कैसे लेंगे साइंस वाले कैसे लेंगे चेन्नई में हड़ताल हड़ताल त्रिची में हड़ताल हड़ताल। कालाबाजारी को लेकर दवा विक्रेता प्रतिनिधियों का रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन। सेल्स प्रमोशन इम्प्लाइज एक्ट 1976 सेल्स प्रमोशन इम्प्लाइज के काम को वैधानिक नियमावली दवा प्रतिनिधि के सरकारी अस्पताल एवं संस्थानों में उनके काम करने के कानूनी अधिकारों की रक्षा दवा एवं स्वास्थ्य उपकरणों के दाम कम करना तथा उस पर लागू जीएसटी समाप्त करने एवं प्राइवेसी की रक्षा करने की मांग को लेकर जीएसटी कालाबाजारी को लेकर दवा विक्रेता प्रतिनिधियों का रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में दवा प्रतिनिधि एकजुट होकर जुलूस निकाले और केंद्र सरकार सहित दवा मालिकों से अपनी मांगों को पूरी करने की मांग के साथ ही सभी से एक दिन के लिए कार्य बहिष्कार करने की अपील भी की। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए धनबाद इकाई के अध्यक्ष संदीप आयुष ने बताया कि अखिल भारतीय संगठन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय हड़ताल किया गया है, जिसमें धनबाद इकाई के करीब 600 से अधिक सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय अपने कामकाज को ठप रखेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और दवा कंपनी के प्रबंधन के गठजोड़ से एक सोची समझी योजना के तहत मजदूरों का बेलगाम शोषण किया जा रहा है। अपने हक और अधिकार की रक्षा करने के लिए मजदूरों के लिए हड़ताल करना अनिवार्य हो गया है। केंद्र सरकार एवं कंपनी के प्रबंधन से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन किया गया है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पूरे भारत वर्ष में लाखों के ऊपर संख्या में आज हड़ताल पे हैं। हमारी दो प्रमुख मांगे हैं। सबसे प्रमुख मांग ये है कि जो 44 श्रम कानून को ध्वस्त करते हुए चार लेबर कोड लाई जा रही है, उसमें हम लोगों के लिए जो कानून था सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। हम सिर्फ अपने लिए ही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आम जनता के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि दवा एक ऐसा चीज है जो अमीर हो या गरीब हर किसी की जरूरत पड़ता है। आज हम देख रहे हैं कि सरकार दवा से मुनाफाखोरी कर रही है जीएसटी के जरिए। आज के दिन में जीएसटी है 12% ऑन एन एवरेज। हम चाहते हैं आपका दवा या स्वास्थ्य सामग्री के ऊपर किसी भी तरीके का मुनाफाखोरी नहीं हो। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि सारे कंपनियां जो भारतवर्ष में है वो आए दिन दवा की दाम को बढ़ाती जा रही है। सरकार उसमें कोई लगाम डालने की कोशिश नहीं कर रही है, इसके विरुद्ध भी हम हड़ताल कर रहे हैं। आपके तरफ से मुख्य मांग क्या है? हाँ, अपनी किस मांग को लेकर रखे हुए हम क्या चीज़ अब मुख्य मांग क्या है? यही तीन मुख्य मांग है। एक है हमारे लिए जो कानून है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी चार लेबर कोड के लिए, और दूसरी प्रमुख मांग है वो है दवा या दवा जैसे जुड़े हुए सारे उपकरण से सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाए। अपने बारे में बताइएगा। मैं संदीप आई, पीएसआर यूनियन अध्यक्ष धनबाद।